अस्सलामुअलैकुम, अराबिया की किचन में आप सबका स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। आज अराबिया की किचन में बनने जा रहा है शामी कबाब, मटन के शामी कबाब बना रही हूँ मैं। अपने घर में जैसे अपने तरीके से बनाती हूँ वही तरीके से आप लोग को बताऊँगी, तो आप लोग उसी तरीके से बनाना। बहुत अच्छे बनते हैं शामी कबाब, इफ्तार स्पेशल समझो, ये बहुत अच्छा बनेगा। अगर बनाएंगे आप लोग तो बहुत अच्छे से बना के देखना इसको, जैसा मैं बता रही हूँ वैसा। तो आज चलते हैं बनाने की तरफ। और ये है खड़े मसाले, इसको मैं पीसती हूँ, दरदरा पीस के आपको बताती हूँ, ठीक है। बस यही मसाले जाएंगे इसमें और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा जायफल जाएगा, जायफल मेरे पास पीसा हुआ है इसलिए मैं वही डाल रही हूँ। अक्खा जायफल नहीं है मेरे पास, पाउडर डाल रही हूँ मैं, इसी में मिला के आपको बताती हूँ पीस के। यही जो अभी खड़े मसाले उसका दरदरा पाउडर मैंने बनाई हूँ, तो इसको डालेंगे सबसे पहले। आधा किलो मटन का हाथ का कीमा है, अगर आप लोग चाहिए तो अक्खा गोश्त भी डाल सकते हैं छोटे छोटे पीस करके, लेकिन मैंने इसको थोड़ा जाड़ा कीमा जैसा बना ली हूँ। और ये है 150 ग्राम चने की दाल, इसको मैंने एक घंटा सोख करके रखा है, तो इसमें डाल देंगे। और है ये प्याज, एक कटी हुई प्याज है दरदरी जाड़ी जाड़ी। और ये एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ये 4 से 5 लाल मिर्ची है सूखी वाली, आधी ये मिर्ची डालेंगे आधी हरी मिर्च डालेंगे इसमें, दोनों का थोड़ा कलर अलग दिखता है इसमें, अच्छा लगता हो कलर, ग्रीन और रेड दोनों भी कलर आएगा। पूरी हरी नहीं डालेंगे, पूरी लाल नहीं डालेंगे इसमें, तीखा अपने हिसाब से लेना, अगर कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं तो कम ज़्यादा कर लेना। ये वाकई में बहुत अच्छे बनते हैं शामी कबाब, इसका बैटर आप लोग बना के फ्रिज करके भी रख सकते हैं। ग्रीन मिर्ची है ये भी 5 से 6 ली हूँ, इसको भी तोड़ दो या काट के डाल दो। और ये है गीला खोपरा, थोड़ा से इतना से एक टुकड़ा मैंने ली हूँ, ये आप इसमें डाल देना। और एक चम्मच इसमें नमक डालेंगे, नमक अपने हिसाब से आप लोग डालना, ठीक है। और एक चम्मच ये भर के गरम मसाला डालेंगे, मटन और दाल सब अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसमें एक गिलास पानी डालेंगे, एक गिलास से कम भी डालेंगे तो चलेगा, थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे, तेज पत्ता ऐसा, एक तेज पत्ता ऐसा तोड़ के डाल देना बस। अब इसको हम लोग सीटी लगा देंगे, एक अच्छी सीटी लेंगे, फिर उसके बाद में 15 से 20 मिनट हम लोग स्लो पे ऐसी बिगर सीटी से छोड़ देंगे इसको। ये दाल हमारी अच्छे से गल गई है, बस इसका थोड़ा इसको पानी सुखा लेंगे, 5 मिनट में इसका पूरा पानी सूख जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ सुखा के। और ये पानी इसका ऑलमोस्ट सूख गया, देखो बस ये जो हल्का हल्का दिख रहा है ये दाल है, दाल के साथ एकदम सूख लेगा पानी, पूरा पानी नहीं सुखाना है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अपना आप ये एकदम टाइट हो जाएगा। बस इसको ठंडा होने के बाद मैं आपको पीस के बताती हूँ। और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा मसाले के साथ ये गोश्त पका है तो इसमें अच्छी खुशबू आती है, तो आप लोग इसी तरह बनाना, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया ये। खाली अब इसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद इसको पीस के फिर थोड़ा से हरा मसाला मिला के उसको मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एकदम कीमा ठंडा हो गया, अब इसको हम लोग थोड़ा चॉपर में हल्के हल्के दरदरा से पीस लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है इसका, सिर्फ हल्का दरदरा पीसेंगे। ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे। तो ये हम लोग ने पूरा पीस के ले लिए, अब इसमें डालेंगे ये बारीक चॉप किया हुआ कोथमीर, और ये है पुदीना, और ये है गरम मसाला थोड़ा सा बाकी था ये भी डाल देंगे इसमें, और ये है बारीक चॉप किया हुआ प्याज, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मैं डाल रही हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा करंची बनाता तो इसमें। और डालेंगे इसमें 2 अंडे लेंगे, थोड़ा से इसी में फेट कर लेंगे, थोड़ा से इसमें तलने भी हो जाएगा, मैं पूरा एक अंडा नहीं डालूँगी, इस
इसमें का थोड़ा आधा निकाल के डाल दूंगी। दो से तीन चम्मच आप लोग डालना, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा से नमक मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें मैं नमक और मिला दूंगी बस। अब इन सबको अपने हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे। रमजान के पहले आप लोग इसको बना के फ्रीज कर लेना। अब ये आप लोग अपने हिसाब से अपने साइज से बनाना। अगर आपको चाहिए तो छोटे भी बना सकते हैं, मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। इतनी थिकनेस चाहिए इसकी तो ये अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो ऐसी बना के सब एक साथ रखेंगे। इससे छोटे भी बना सकते हैं, इससे बड़े भी बना सकते हैं। कोथमीर, मिर्ची, गरम मसाला सबका अपना अपना इसमें टेस्ट है, बहुत अच्छा लगेगा इसमें। इसमें मैंने गीला खोपरा डाली, इसका भी एक टेक्सचर अलग आएगा। गीला खोपरा डाल के आप लोग ट्राई करना। ये मैं पहले से ऐसी बनाती थी गीले खोपरे में। थोड़ा इसको थोड़ा मैं 10 से 15 मिनट में इसको सेट करने के लिए फ्रीजर में, फ्रीज या फ्रीजर में रख देंगे। जल्दी होने का होगा तो अगर फ्रीजर में रखो, अगर आपके पास टाइम है तो 15 मिनट फ्रीज में रख दो। मैं फ्रीज में रख रही हूँ 15 मिनट, फिर उसके बाद में आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। और ये अंडे में थोड़ा से डालेंगे नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा इसका भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और अब इसमें डालेंगे हम लोग ऑयल। अब ये हो गए, हल्के से सेट हो गए। मैं 5 ही मिनट रखी, ज़्यादा नहीं रखी। आप लोग ज़्यादा टाइम रख के कर लेना इसको। ठीक है, इसको डालेंगे अंडे में ऐसा। फिर डाल देंगे बिस्मिल्लाह। आहिस्ते से पलटी करेंगे, एकदम संभाल के उसको पलटी करना है क्योंकि एकदम नरम रहता है ये। एकदम परफेक्ट बन गए ये चांदी कबाब हमारे। एकदम स्लो पे करना क्योंकि अंदर से भी थोड़ा, अंदर का तो ऐसे पका हुआ ही रहता, तो स्लो पे करके अच्छे से पकाएंगे। और ये हल्के से इसको प्रेस करके निकालेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही तलने से। एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया हमारे शामी कबाब। आप लोग भी ऐसे ही बना के तैयार करना। बहुत ही डिलीशियस कबाब बन के हमारे तैयार हो गए माशाल्लाह। इसकी थिकनेस देख रहे हैं आप लोग, बस ऐसी ही थिकनेस आप लोग भी रखो, बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे मैं बताई वही तरीके से बनाओ, सब मसाले बराबर डालना। ये देखो एकदम गरम गरम एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो गए। इसमें क्या और आते हैं रेशेदार कबाब, वो कीमा नहीं रहता, वो मटन रहता, तो उसमें रेशे वाला उसको खाली घोट के भी बनाते। इंशाल्लाह अगर वो भी मैं आप लोग को बना के बताऊँ। ये देखो बहुत ही अच्छा बना है, मैं आपको खा के दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट बना, बहुत अच्छा बना और सचमुच बहुत अच्छी रेसिपी है। आप लोग जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बोलेंगे तो बहुत अच्छी है। खाने में बहुत लज्जतदार और मज़ेदार है, एकदम चुटकियों में बन के तैयार हो जाती है। बस इसको खाली गलाना है, सब मसाले डाल के फटाफट बन जाते हैं। ठंडे होने के बाद आप लोग बहुत जल्दी इसको बना के खा सकते हैं। रेसिपी में ये खासियत है, तो आप लोग इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह अच्छी ही बनेगी जैसा ट्राई करेंगे वैसे। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बना के खा के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।